प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण, जिसका कुछ अभ्यास मैं आपको आपके ऑनलाइन क्लास में भी करवा चुकी हूँ। तो चलिए समझते हैं विशेषण का अर्थ हिंदी व्याकरण में। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। बच्चों, विशेषता का मतलब है कि उसके गुण, उसके दोष, उसकी संख्या, उसका परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। समझने की कोशिश करिए, जैसे छोटा, मोटा, पतला, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, मीठा, कड़वा, एक, दो, कला, लाल, स्वच्छ, मेहनती आदि। ये सारे शब्द क्या शब्द हैं? विशेषण बताने वाले शब्द है। आगे देखिए, राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो राधा कैसी लड़की है बच्चों? सुंदर लड़की है। श्याम एक बहादुर लड़का है। तो श्याम कैसा लड़का है? श्याम एक बहादुर लड़का है। आपको समझना ये है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए इसे और समझते हैं। दिए गए चित्रों में विशेषण विश्व शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर भी बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे चीनी है, तो चीनी कितनी है? 2 किलो है। दूध है, दूध कितना है? 5 लीटर है। चाय है, चाय कैसी है? गर्म है। चाय गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, तुलसी चाय हो सकती है, अदरक चाय हो सकती है ना, कोई भी चाय हो सकती है। कपड़ा है, कपड़े कितने तरह के होते हैं? यहाँ लिखा है ऊनी कपड़ा। कपड़ा ऊनी हो सकता है, सूती हो सकता है, रेशमी हो सकता है, गर्म गर्म हो सकता है, मुलायम हो सकता है। चिड़िया, चिड़िया के आगे विशेषण है 2 चिड़िया, ठीक है। कपड़ा, कपड़े के आगे है 4 मीटर कपड़ा। तो कपड़े के भी कई विशेषताएँ हो सकती हैं। रुपये, रुपये की विशेषता है कितने रुपये हैं? 20। और ये चोर हैं, चोर कितने हैं? 40 चोर, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा काम आपके लिए और भी है, इसको समझते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को, जैसे इनके आपको क्या करने हैं, इनके आगे आपको विशेषण लगाने हैं, ठीक है। ये एक तो आपको यहाँ पर आपके लिए है, जैसे पेड़ है बच्चों, पेड़ के तो कई सारे हो सकते हैं, छायादार पेड़, पुराना पेड़, बड़ा पेड़, एक पेड़। अब ये घर है, तो घर के लिए आप यहाँ पर विशेषता लिखिए, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे, बड़ा घर, नया घर, पुराना घर, सुंदर घर। सेब है, सेब के लिए आप 4 विशेषताएँ लिखिए, ठीक है, लाल सेब, हरा सेब, रसीला सेब, मीठा सेब। इस तरह से आप इस काम को अपनी कॉपी पर करेंगे। ये एक कपड़ा है, ठीक है, कपड़े के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऊनी कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, गर्म कपड़ा, आप कुछ भी इसमें विशेषण लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का ये काम आप अपनी कॉपी पर करेंगे, इसको समझेंगे, और समझने के बाद फिर आप इसको याद करेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ऑनलाइन क्लास में आपसे पूछा जाता है, कुछ ही बच्चे जवाब दे पाते हैं। तो मेहनत करिए बच्चों, ठीक है, साथ साथ समझने की कोशिश करिए और फिर आप इसको याद करिए। तो चलिए बच्चों, आज का काम हम ख़त्म करते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, ओके।